तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इवेंट प्रोग्रामिंग। इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या है कि अभी तक जो आपने प्रोग्रामिंग सीखी उसको रन करने के लिए, अभी तक जो भी माइक्रो बनाना सीखा आपने उसको रन करने के लिए आपको माइक्रो लिस्ट में जाके सेलेक्ट करना होता था, या शॉर्टकट यूज करना होता था, या फिर आपने कोई बटन पे असाइन कर दिया हुआ है तो उस बटन पे क्लिक करके आपको रन करना होता था। तीन तरीके थे किसी भी मैक्रो को रन करने के लिए। पहले तरीका था कि आप मैक्रो लिस्ट से जाके रन करें, दूसरा तरीका था कि आप शॉर्टकट अगर आपने बना रखा है तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, और तीसरा आपने किसी ऑब्जेक्ट या किसी बटन पे असाइन कर रखा है तो उस पर क्लिक करके आप इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का, मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरा माइक्रो मेरे किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे ऑटोमेटिकली वर्क करे। जैसे कि मैं सीट थ्री पे जाऊं तो मुझसे पासवर्ड पूछे, जैसे सीट थ्री के किसी सेल पे मैं सिलेक्ट करूं तो कलर हो जाए, डबल क्लिक करूं तो कुछ और हो, राइट क्लिक करूं तो कुछ और हो, फाइल ओपन हो तो कुछ और हो। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, और आज हम आपको इसके दो पार्ट होते हैं, शीट प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है फाइल प्रोग्रामिंग। तो शीट प्रोग्रामिंग आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैक्रो प्रोग्रामिंग हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। चलिए विजुअल भी क्लिक करते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल, यहाँ पे सब्जेक्ट, समझे नहीं, मॉड्यूल पे नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। हम सीट थ्री पे हम पासवर्ड चाहते हैं, तो सीट थ्री पे गए, डबल क्लिक किए, और यहां से हम वर्कशीट, और यहां से अपना इवेंट, देखिए यह लोकेशन होता है, इसको इवेंट कहते हैं कि कौन सा इवेंट होना चाहिए। ये सारे इवेंट्स हैं। तो सबसे पहला इवेंट हमने बोल दिया एक्टिवेट। तो यहां पे दिया मैंने डू अंटिल पी इज इक्वल टू ब्लैंक, पी इक्वल टू ब्लैंक नहीं, पी इज इक्वल टू 1 2, पी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे हम देते एंटर पासवर्ड और लूप। तो क्या होगा अभी इस पे रन कैसे करेंगे, जैसे मैं माइक्रो थ्री पे जाऊंगा उससे पॉपअप पूछ देगा, और जैसे इसमें हमने पासवर्ड कोई गलत डाला तो वापस आ जाएगा, पासवर्ड सही डालूंगा तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है सर, तो हमने वर्कशीट एक्टिवेट पे, तो आप एक्टिवेट पे जा सकते हो। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन जहां कर्सर रखूं वहां कलर हो जाए सीट टू पे, तो मैं कोड यहां से भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक सीट टू पे व्यू कोड पे क्लिक करूंगा, हो गया। और यहाँ पे हमने वर्कशीट को लिया और सिलेक्शन चेंज ऑटोमेटिक है, इसी को रहने देता हूं, और देता हूं कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। तो अब जहां भी मेरा कलर जाए, कलर होगा वो हमारा एरिया कलर हो जाएगा, या मैं ये चाहता हूं कि मेरा जहां पे मेरा कर्सर है मेरा वही एरिया कलर हो, बाकी एरिया कलर ना हो। मैं कि इस सीट पे कहीं भी कलर अप्लाई ना हो, जहां मेरा कर्सर हो सिर्फ वहीं पे कलर दिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस सिंपल सा इससे ऊपर एक कोड लगा देना है, सेल। सेल्स की कौन सिलेक्ट करता है,
सेल्स किसको सिलेक्ट करता है सर? आशीष जी, सर सेल्स में हम देते हैं ना कि ओनर नहीं, सिर्फ मतलब सेल्स लिख दिया तो क्या होगा? जहां पे एक्टिव है वहीं सिलेक्ट होगा वो। नहीं, पूरा तो सीट हेलो को सिलेक्ट करेगा। हाँ बोलिए आशीष जी। सर, अच्छा पूरी हाँ, शीट को सिलेक्ट करेगा? आपको आवाज आ रही थी मेरी? अभी आई है, उससे पहले नहीं आ रही थी। आप आ रही है सर? आ आ रही है, पूरी हाँ सर, वो सीट को सिलेक्ट करेगा। राइट, तो जी अब मैंने क्या कर दिया, हमने बोला कि भाई कलर अप्लाई करने से पहले पूरी सीट का कलर हटा दो, एक्सल नन, फिर अपना कलर डालो। तो एक सर, काम वो इसलिए, हम बोलिए सिर्फ सेल्स लिखेंगे तब ना पूरा लिखे करेगा। अगर सेल्स में एड्रेस देते हैं तो पार्टिकुलर जगह कोई सिलेक्ट हाँ करेगा। हाँ हाँ इसलिए तो मैंने बोला आपको सेल्स हमने सिर्फ लिखा हुआ है। ओके ठीक है, समझ आ गया? सर, एक डाउट है। मैं हाँ ये काफी देर से बोल रहा था, लगता माइक्रोफोन में आवाज नहीं जा रही थी। हाँ ये आपने वीडियो भेजा था फॉर्मूलास का? इसके बाद फॉर्मूला स्टार्ट होगा। फॉर्मूला ओके ओके, मेरे को लगा सर वो। नहीं, फॉर्मूला तो ऐसा बड़ी टॉपिक है, ओके तो उससे पहले हमने इसे भेज दिया, एक दो क्लास ले लीजिए। आपको वीडियो जो थोड़ी आज भेज दिया था, आज ही देख लेंगे, वो सारे लोग है कि कल परसों तरसों देखेंगे, इसलिए तो दिन पहले भेजना होता है। ठीक ठीक है सर, ठीक है। है ना, ताकि जब स्टार्ट करें टॉपिक तो आप लोग वो टॉपिक को देख चुके हो। सर ओके हाँ सुजीत सर, सेल्स का मतलब ये होता है ना कि बिल्कुल अपर। सेल्स का मतलब होता है, अगर सेल्स के अंदर अगर आपने अल्फा न्यूमेरिक डाला तो वो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। अगर सेल्स में सिर्फ सेल्स दे दिए, कोई इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक नहीं डालते हैं, तो ये क्या करें, सिर्फ न्यूमेरिक नहीं डालते हैं, रो वन एंड कॉलन, तो पूरे के पूरे एंटायर शीट को सिलेक्ट करेगा। ठीक, ओके, ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं है? कभी नो आपको नो नो, पूरा एंटायर शीट सिलेक्ट करना हो तो सेल्स डॉट सिलेक्ट, सेल्स डॉट कॉपी, सेल्स डॉट जो भी रेंज पे करते हो सेल्स पे करेंगे आप। अब बात, हमने हमने दो एग्जांपल लिया, एक तो हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया, दूसरा हमने किया कि यहाँ पे जब सेल्स में सिलेक्ट करूं तो कलर हो, या फिर जहां सिलेक्ट करूं उसके अलावा कहीं और कलर ना हो, वो चीज हमने किया। ऐसे आप C21 पे भी बहुत सारे के हमारे पास ये है, एक बार मैं समझा देता हूँ थ्योरिकली, फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, देखिए एक्टिवेट, जब आपका सीट, देखिए प्रोग्रामिंग आपकी वही है जो आपने अभी तक सीखा है। ये क्या है कि आपकी वो प्रोग्राम कब रन करे, कब परफॉर्म करे, वो डिसाइड कर रहे हैं, ये चीज समझ जाइए। यहाँ पे कोई अलग प्रोग्रामिंग नहीं होती है, प्रोग्रामिंग आपका वही होता है जो आपने किया हुआ है। तो जैसे ये बिफोर डिलीट, सी डिलीट, मान लीजिए सी डिलीट करने से पहले कोई मैसेज देना चाहते हो, डबल क्लिक करने से पहले कोई मैसेज देना चाहते हो, राइट क्लिक करने से पहले मैसेज देना चाहते हो, चेंज, अगर सीट पे कोई भी चेंज करते हो तो मैसेज देना चाहते हो। आप सोच रहे होंगे इससे कैलकुलेट क्या है, तो चेंज ही कैलकुलेट चेंज दोनों एक ही है। बस दिक्कत यह है कि कैलकुलेट में होता है क्या है कि आपने कोई ऐसा नंबर डाला, कुछ ऐसी चीजें डाले जिससे फॉर्मूला अपडेट हुआ तो रन करेगा। जैसे मैं बता देता हूं, मैं चेंज पे गया, मैं बोलता हूं कि जब भी फाइल चेंज हो तो मुझे मैसेज दे, ठीक है ना, MSG बॉक्स यहां पे लिख दे डेटा सेव, इस तरह का मैसेज दे। तो अब क्या हुआ कि C1 पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो मुझे मैसेज मिलेगा, या फिर कोई भी कलर अप्लाई करूंगा, नहीं कलर फॉर्मेटिंग पे नहीं मिलता है, सिर्फ वैल्यू चेंज मिलता है। ठीक है, तो ये मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज को चेंज पे डालता हूं तो क्या हो, इस पे कैलकुलेट पे, तो कैलकुलेट पे डालने से पहले मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा कि 20 30, और हम मैंने इसको सम कर दिया, सॉरी सम कर दिया, और हमने यहाँ पे चेंज के ऊपर कैलकुलेट इस पे डाल दिया।
तो क्या होगा कि अब मैं यहाँ कहीं भी टाइप करूंगा तो आपको मैसेज बोल दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे 30 के जगह पे 35 करके एंटर मारा तो मैसेज दिखा, क्योंकि हमारे इस नंबर डालने से हमारा फॉर्मूला अपने आप को अपडेट किया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 को 20 20 था, 20 पहले से 20 डाल दिया, नो क्यों, क्योंकि उतना ही था, फॉर्मूला अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो कैलकुलेट का मतलब वो होता है। तो कैलकुलेट और चेंज समझ में आ गया। फिर आपका कैलकुलेट कैलकुलेट शीट होती है, जैसे F9 दबाते हैं तो शीट कैलकुलेट करता है। तो जैसे कई बार वी लुकअप का हैवी फॉर्मूला लगाया या कोई भी मतलब हैवी फॉर्मूला लगाया तो शीट कैलकुलेट होती है अपने आप ही। तो ये उस टाइम पर भी रन होगा? नहीं, जैसे इसका इसका जो थ्योरिकल पार्ट कहता है कि जब आपका फॉर्मूला कोई फॉर्मूला अपना रिजल्ट अपडेट करेगा तो होगा, तो होगा। ओके, ऐसे आप जो बोल रहे हो उस पर कभी हमने अप्लाई नहीं किया है, आप ट्राई करके देखिएगा, लेकिन थ्योरी है कि नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डीएक्टिवेट फॉलो हाइपरलिंक, मतलब कि कोई अगर हाइपरलिंक है उस पर क्लिक करते हो तो आप बताना चाहते हो कि नो इंटरनेट अवेलेबल वगैरह वगैरह, तो वो चीज आप यहाँ कर सकते हो। फिर ये पिवट टेबल पे है, ये पिवट टेबल आफ्टर वैल्यू चेंज बिफोर एलोकेट चेंज, पिवट टेबल बिफोर कमिटेड चेंज, ये सारी चीजें। पिवट टेबल रिफ्रेश, ये आपका रिफ्रेश है, ठीक है। पिवट टेबल अपडेट, सिलेक्शन चेंज एंड टेबल अपडेट, तो ये सारी चीजें पिवट टेबल से रिलेटेड है। सिलेक्शन चेंज पता ही आपको, और टेबल अपडेट जो है वो टेबल अपडेट आपका होता है जब आप किसी पर्टिकुलर टेबल को, टेबल जो होता है उसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे मान डेटा कनेक्टिविटी के जरिए आपने डेटा ला रखा और टेबल फॉर्म में आता है, जब उसको रिफ्रेश करेंगे जब चेंज होगा तो आपका माइक्रो परफॉर्म होगा। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पे अपना माइक्रो फिट कर सकते हो कि आपका माइक्रो क्या होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और एक एग्जाम्पल मैं आपसे मांगूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां पे, सॉरी यहां सीट 3 में, सीट 4 एक नया ऐड करता हूं। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि मैं यहां पे कोर्स है और कोर्स में मैंने दे दिया यहां पे L1 और L1 के अंदर यहां पे है एडवांस एक्सेल एंड एक्सेल फॉर्मूला। हेलो, ओ सॉरी, मेरा मॉडेम रीस्टार्ट हो गया था। और यहां पे L2 VVA फंक्शन यूजर फॉर्म, मैंने मान लीजिए फॉर्म बना रहा हूं। तो याद है आप लोग जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो क्लिक करते हैं तो जैसे कि पहले से हाइड होता है, नहीं दिखता आपको, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो फिर वो अनहाइड होकर आपको दिखता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं L1 पे डबल क्लिक करूं तो मेरा ये अगर अनहाइड है तो हाइड हो जाए, हाइड है तो अनहाइड हो जाए। पिवट टेबल भी तो होता है प्लस माइनस वाला बटन, मैं उसी तरह के यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। या फिर ये यहाँ आपका इसमें भी होता है डेटा मेनू बार में ग्रुप ग्रुप करके, कि अब इस पे क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाता है, इस पे करते तो अनहाइड हो जाता है। तो मैं ये चीजें जो है ग्रुप के जरिए नहीं करना चाहता हूँ, ग्रुप के जरिए लुक चेंज हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि पिवट के जरिए डबल क्लिक पे हो। तो ये हमारा B3 एंड B7, ओके। तो मैं इसके लिए कोड करूंगा यहाँ पे सीट 4 पे जाऊंगा और सीट 4 में हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आपका बिफोर डबल क्लिक पे जाएगा, ठीक है। सर बिफोर क्यों, ये तो आप डबल क्लिक कर रहे हो तो उसके बाद होगा ना? तो बाद में होता, डबल क्लिक करते ही होगा, यहाँ पे बिफोर डबल क्लिक होता है, आफ्टर डबल क्लिक नहीं है ना यहाँ पे सर, तो बिफोर से ही काम चलाना पड़ेगा ना।
ठीक है सर, मेरे को लगा कि जैसे होता डबल आप क्लिक करोगे तब उसके बाद फंक्शन रन होगा ना। ठीक है, डबल क्लिक करते ही रन होगा सिस्टम, बिफोर इसको पहले आपका कोड को रन करेगा फिर डबल क्लिक करेगा। ओके ओके ठीक है सर। तो यहाँ पे कंडीशन होगा कि यहाँ पे कि इफ एक्टिव, पहले आप एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे पहले कि डिम आर एज एड्रेस, हाँ ए एज ए स्ट्रिंग और ए इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट एड्रेस, जो जहां पे हम डबल डबल क्लिक करेंगे उसका एड्रेस ए पे स्टोर हो जाएगा। फिर कंडीशन देगा कि ए इक्वल टू होना चाहिए डॉलर बी थ्री, बी डॉलर थ्री और एंड रेंज ये आपका है फोर एंड फाइव, फोर से फाइव डॉट हिडन इक्वल टू फॉल्स देन यहां पे होगा रेंज फोर से फाइव डॉट हिडन इक्वल टू ट्रू और एल्स इफ, पूरा कॉपी करता हूं, पूरा ही कॉपी हाँ यहाँ नीचे तक कर लीजिए। इसमें हो जाएगा कि अगर ए ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाए। समझ में आया कि नहीं सर? हमने कंडीशन दिया कि जो एक्टिव सेल है अगर एक्टिव सेल का एड्रेस बी थ्री है और उसका रेंज जो है वो फोर एंड फाइव जो है, अगर वो ऑल वो हिडन नहीं है तो इसको हिडन करे। तो हिडन करने के दो क्राइटेरिया है कि जहां हम डबल क्लिक कर रहे हैं वो डबल क्लिक करने वाला एड्रेस बी थ्री होना चाहिए और फोर एंड फाइव रो हिडन नहीं होना चाहिए तो हिडन कर दे। अगर डबल क्लिक, अगला कंडीशन क्या है कि अगर डबल क्लिक करने वाला एड्रेस बी थ्री है और रेंज हमारा हिडन है तो उसको अनहाइड कर दे। तो परफॉर्म करके दिखाता हूं। अच्छा हिडन की प्रॉपर्टी नहीं है पा रही है। ओके सर एक्सेल हिडन तो नहीं होगा, विजिबल होगा मेरे ख्याल से। हाँ विजिबल नहीं होगा। एंटायर रो लगेगा इसमें। अच्छा यहां भी लगेगा एंटायर रो। और यहां भी ऑल्सो लगेगा एंटायर रो। सर इसमें ये रिप्लेस कर सकते हैं क्या अगर एक चीज को कई जगह पे लेके जाना है? क्या रिप्लेस कर सकते हैं बताइए? जैसे आपने देखिए हो गया, फॉर्मूला कोड में रिप्लेस की बात कर रहे हैं? नहीं 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 जैसे भी बी थ्री मान लीजिए चार पांच जगह लिखना है और वो बी टू है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ कंट्रोल एच से कर सकते हैं। ओके ये आपका आ गया बी सेवन, मैंने यहाँ पे थ्री के जगह पे सेवन कर दिया
और ए आपका आ जाएगा 8, 9, 10, तो 8 से 10, और यहाँ भी 8 से, यहाँ भी 8 से 10, ये आपका बी 7, यहाँ भी 8 से 10 और 8 से यहाँ भी 10, ठीक है। अब मैं बताता हूं, अब इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड, समझ में आया सर? कोड देखिए, ओके है, अब जो है मैं आप लोगों को प्रोग्राम दे रहा हूं, मेरे पास एक सीट है समझे, और मैं इस सीट में हमारा कॉलन ए आईडी है, नेम है और टाइम है। तो मैं ऑफिस से आया, इसमें मैं आईडी 1 डाला, नेम में यहाँ पे पूजा डालता हूँ और टाइम में 30 डालता हूँ, मतलब टाइम पूजा, जैसे मैं पूजा यहाँ पे डालूंगा ऑटोमेटिकली सिस्टम टाइम यहाँ पे डल जाएगा, समझ गए? और डालते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे सिस्टम, मैं जैसे ही नाम डालूंगा ऑटोमेटिक टाइम ऑटोमेटिक डल जाना चाहिए, पहली कंडीशन यहाँ पर ये है, आप लोग नोट कर सकते हैं सर। दूसरी कंडीशन है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी पर्सन नीचे एंट्री कर सकता है कि टू यहाँ पे कविता और यहाँ पे टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता है, मतलब कि जो टाइप हो गया उस पर कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएगा, मतलब एक बार लिखा गया तो पत्थर की लकीर, समझे आशीष जी? प्रॉब्लम हाँ जी सर, समझ में आया? आ गए सर। मतलब कि मैं चाहता हूं कि मैं एक्सेल सीट में टाइपिंग करते चले जाऊं, लेकिन जितना टाइप कर दिया वो नॉट चेंजेबल हो, वो प्रोटेक्टेड हो जाए, कोई चेंज उसको ना कर सके। सेल लॉक वाला कोई चीज लगेगा या पासवर्ड हाँ का कुछ है? वही लगेगा, पासवर्ड से ही लॉक होगा, लेकिन उसको वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू इवेंट माइक्रो में डालना है चेंज पे, चेंज ठीक है ना? अब आपको जो है उसी हिसाब से प्रोग्राम बनाना है, थोड़ा सा पेचीदा है याद रखिएगा, इतना सिंपल नहीं होगा, इसलिए आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है सर। नहीं होगा ला, कोड बड़ी बहुत, कोड बहुत बड़ा नहीं है, कोड जस्ट 4 या 5 लाइन का ही है, इसको कीजिए, ठीक है? सर ओके और सर एक चीज थी, कुछ हाँ पिछली जो आपने वो 101 मैक्रोस दिए थे उसमें से दो चार कुछ डाउट्स हैं, वो फिर कब भेजें मेल आपको? कर दीजिए ना मुझे, क्लास के स्टार्ट होते से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है सर, ठीक है। हर दिन एक एक करके बता दूंगा, सॉल्व हो जाएगा ना आपका। ठीक है सर।